14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश की आज़ादी के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे, लेकिन सरकार अपने सिद्धांतों पर कायम रही और हिंदी अब राजभाषा के रूप में अपने शिखर पर पहुंच रही है। हिंदी दिवस के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, देवभाषा है, भारत हिंदी बाहुल देश है, इसलिए हिंदी का सम्मान होना चाहिए। हिंदी का अगर सम्मान नहीं तो फिर हम लोगों का भी सम्मान नहीं। हिंदी दिवस के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा कहा उन्होंने, हमारे भारत में हिंदी बाहुल इलाका है, सारी व्यवस्था है, अब हिंदी का सम्मान नहीं होता है तो मान लीजिए कि हमारा सम्मान नहीं होता है। इसलिए हमारी शुभकामना है जो आज हिंदी का हिंदी दिवस के रूप में हिंदी बोलने का, हिंदी लिखने का और हिंदुत्व के बारे में व्यवस्था करने का जो एक संकल्प लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यह कल जाकी रही भावना जैसी प्रभु में देखी थी तैसी मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, अब उनको विरोध करने में अच्छा लगता है, लेकिन भारत में हिंदी का सम्मान न हो ये अच्छी बात नहीं है। भारत में हिंदी का सम्मान होना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारी मातृभाषा देवभाषा हिंदी ही है, इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए।